दोस्तों इस टाइम में लोगों के अंदर जो है फेमस होने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है टिकटॉक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक को जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है पिटीशन डाली गई है और अभी आगे देखते क्या है पूरी न्यूज़, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि दोस्तों टिकटॉक जो है वो एक चाइनीज़ वीडियो शेयर ऐप है। यहाँ पर इनके खिलाफ जो है पिटीशन दायर की गई है और सुप्रीम हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने कहा है कि इस ऐप को बैन कर देना चाहिए और उन्होंने सेंटर को भी ऑर्डर दिया है कि वो इसके खिलाफ जो है वो कदम उठाएं। यहाँ पर बात करें, जब इस ऐप को चेक किया गया टिकटॉक पर, आप देखते होंगे कि बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लोग जो है फेमस होने का लोगों ने एक तरीका बना लिया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही गलत है। आप उसमें टिकटॉक पर अगर हम बात करें तो बहुत सी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल ओके है, गाना है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे वल्गर वीडियोज़ थी कि जिनको जो है देखा गया और बाद में वो किया गया कि नहीं, ये हमारे समाज के लिए बेकार हैं। और वो बात बिल्कुल सही भी है कि ऐसी वीडियोज़ जो थी वो नहीं बननी चाहिए थी किसी भी हाल में, जो कि टिकटॉक पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी वजह से टिकटॉक को जो है वो बैन करने की बात उठी है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने जो है एक ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो डाउनलोडिंग है टिकटॉक ऐप की उसको प्रोहिबिट किया जा सके, उसको बंद कर दिया जा सके। और जो भी यहाँ पर मीडिया है, मतलब जो भी इस पर जो भी आपको ऐप पर वीडियोस देखने को मिलती है, वो जो है अगर हम बात करें तो वो सारी ऐप कि जो वीडियोस हैं उनको बैन कर दिया जाना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो टिकटॉक ऐप है वो सबसे ज़्यादा टीनेजर में फेमस है, यंग लोगों में फेमस है, और लोग इसके इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं कि एक पबजी एक टिकटॉक की अगर देखा जाए कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन दो चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा। आप देखते होंगे कि आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लोग वीडियो शेयर करते हैं, आप अगर यूट्यूब की मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं टिकटॉक, अगर टिकटॉक की आप देखेंगे तो पीछे एड भी चल रही होगी। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वल्गर वल्गर अब एड भी आने लगी है टिकटॉक की, कि हम उसको क्या कहें। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इससे जो फ्यूचर है यंगस्टर का वो ख़राब हो रहा है, और मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही लिया गया है। अभी इसके ऊपर पूरा फैसला नहीं आया है और आने वाले टाइम में 16 अप्रैल को इसके ऊपर पूरी हियरिंग जो है वो की जाएगी, और तब पता लगेगा कि टिकटॉक को जो है पूरी तरीके से वो जो बैन है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो टिकटॉक जो है वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गया है कि उसे बैन नहीं करना चाहिए, और टिकटॉक ने अपनी इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए अपने कुछ नियम कायदे कानून जो है वो कड़े कर दिए, और साथ में अपना एक चीफ नोडल ऑफिसर भी जो है वो अपॉइंट कर दिया है इंडिया की चेकिंग के लिए, कि मतलब ऐसे वीडियोज़ को चेक किया जाए, उनको रिमूव किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ अपने उससे कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि टिकटॉक पर या तो टिकटॉक ऐसी वीडियोज़ को पूरी तरीके से बैन कर दे, और जो वहाँ पर वल्गैरिटी वाली कोई सी भी वीडियोज़ हैं उनको साफ साफ हटा दे, ठीक है, टिकटॉक तब अच्छा है, वरना टिकटॉक को जो है बैन कर देना बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर गलती टिकटॉक ऐप की नहीं है, गलती ऐसे लोगों की है जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं फेमस होने के लिए, इतने गंदे तरीके से वो फेमस होना चाह रहे हैं। कुछ टीनेजर्स हैं 14 साल की एज के, 15 साल की एज के, और उनकी वीडियोज़ आप आ जाकर टिकटॉक पर देखे तो इतनी घटिया वीडियोज़ होती कि मतलब क्या कि पॉर्न क्या कहें, सब कुछ इतना बेकार कर रखा है। तो इस हिसाब से आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि टिकटॉक पर से ये वीडियोस किसी भी हाल में हटनी चाहिए, जो भी ऐसी वल्गैरिटी वाली वीडियो हैं, चाहे वो टिकटॉक खुद हटा दे चाहे वो सरकार हटवाए। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।